जब माँ की कृपा होती है मतलब वही धार्मिक काम में जुटता है, सब लोग माँ की कृपा होती है जी, वो सब लोग नहीं जुट पाते तो इसलिए इनकी कृपा हुई तब हम यहाँ आए, तब ये हुआ। हम लोग इस वक्त पलना में हैं, पलना के ऐतिहासिक पालमेश्वरी धाम में। आप पीछे मेरे देख रहे होंगे जय माँ पालमेश्वरी करके एक बोर्ड लगा हुआ है, पट्टिका लगी हुई है और सीढ़ियों से चढ़ करके आप मंदिर में अंदर जा सकते हैं, वहाँ पे देवी का दर्शन होगा। ये देश में 51 शक्तिपीठ हैं, हिंदुस्तान में 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से चौथे नंबर का शक्तिपीठ है। कहते हैं कि जब माता सती यज्ञ कुंड में कूद करके उन्होंने एक तरह से अपने आप को भस्म कर लिया, स्वाहा कर लिया, जब इस बात का पता चला, जब उनको आत्मग्लानि हुई, उन्हें लगा कि वो उनको वो उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया या सती कर लिया। उसके बाद भगवान शंकर को काफ़ी गुस्सा आता है और उनके पूरे धड़ को, जले हुए धड़ को लेकर के ब्रह्मांड के कई चक्कर वो करते हैं, लगाते हैं। फिर भगवान विष्णु अपने चक्र से उनके शरीर के 51 टुकड़े करते हैं, वो जहाँ जहाँ भी वो टुकड़े गिरते हैं जाकर के देश में उन उन जगहों पे शक्तिपीठ का निर्माण होता है, शक्तिपीठ बनता है। तो ये चौथे नंबर का शक्तिपीठ है। आपको बता दूँ ये पालमेश्वरी धाम है, यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी अपनी मुरादें मांगने आता है, मन्नतें मांगने आता है, वो यहाँ पे पूरा होता है। और यहाँ पर चैत्र पूर्णिमा के दिन ऐतिहासिक मेला भी लगता है। इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से उत्सव का माहौल है, यहाँ पे शादियाँ भी आयोजित होती हैं हर वर्ष लगन के वक्त, जब शादियों का शादी ब्याह का सीज़न होता है तो शादियाँ भी होती हैं। और यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं जो इसी मंदिर से संबंधित पूजा की सामग्री यहाँ पे मिलती है, बेची जाती है, यहीं से लोग चुनरी खरीदते हैं, यहीं से लोग मिठाई खरीदते हैं, सारी चीज़ें प्रसाद खरीद करके ले जा करके अंदर मंदिर में नारियल वगैरह चढ़ाते हैं, माता को अर्पण करते हैं। और लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हम आगे और अभी दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या मान्यता है, जो भी आते हैं बाहर से लोग क्या क्या सामान खरीदते हैं, कैसा कैसा और क्या कुछ यहाँ पे होता है, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करूँगा सीढ़ियों पर, क्योंकि वहाँ पर रामबचन सिंह जी जो गंगोत्री होटल के मालिक हैं वो खड़े हैं। और 1984 के बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने कराया था, तो उनसे भी हम लोग इसके विषय में बात करेंगे। यहाँ पे उनके नाम की शिला पट्टिका लगी हुई है तो उसके विषय में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे आपको नीचे दुकानदारों से बातचीत कराएँगे। ये आपने जब जीर्णोद्धार कराया तो यहाँ पर शिला पट्टिका लगवाई आपने, तो इसमें क्या लिखा है? श्रीमती छतीसा देवी के स्वर्गीय पति श्रीमान श्याम नारायण सिंह की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र श्री रामबचन सिंह ग्राम उपोष्ट भरतीपुर जिला आजमगढ़ के द्वारा पालमेश्वरी मंदिर का निर्माण दिनांक 4 अक्टूबर 1984 को संपन्न हुआ। तो 4 अक्टूबर 1984 को संपन्न हुआ। अच्छा, एक बात बताइए कि लोग अक्सर पैसा वैसा कमाते हैं तो धर्म से दूर होते जाते हैं, समय नहीं होता है और खर्चा करने की बात आती है तो लोग दूर भागते हैं, तो आपने इतने बड़े मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, क्या सोच थी आपकी उस वक्त? ऐसा है सर कि जब माँ की कृपा होती है मतलब वही धार्मिक काम में जुटता है, सब लोग माँ की कृपा होती जी, वो सब लोग नहीं जुट पाते तो इसलिए इनकी कृपा हुई तब हम यहाँ आए, तब ये हुआ। और ये जितने लोग इससे इनकी आस्था में जुटते हैं सारे लोग ठीक हैं, और इनकी कृपा जुटें न जुटें फिर भी बड़ी दयालु है माँ, सबकी सबके ऊपर कृपा करती है, रक्षा करने की कृपा करती है, हाँ सबके ऊपर कृपा करती है। ये बात बिल्कुल सही है, चाहे मंदिर हो, चाहे शिवाला हो, चाहे मस्जिद हो या सूफी संतों की दरगाह हो, जिनसे काम लेना होता है उन महान हस्तियों को वो लेते रहते हैं अपने तरीके से। शादियाँ जो मैंने बताई, यहाँ पर शादियों का भी आयोजन होता है हर वर्ष लगन के वक्त, यहाँ पे शादी विवाह के अवसर पर लोगों की शादियाँ भी संपन्न होती हैं। अब आगे हम आपको
ऐतिहासिक पोखरा भी दिखाएंगे और यहाँ पर जो भी पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्रियाँ हैं उनके बारे में भी आपको दिखाएंगे, उनकी दुकानों के बारे में दिखाएंगे। यहाँ पे पालमेश्वरी धाम में जो प्रसाद और जो चुनरी वगैरह नारियल वगैरह जाता है, यहाँ पे एक दुकान है, आप देख सकते हो सारे सामान यहाँ पे उपलब्ध हैं। बुज़ुर्ग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कब से आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं? हम तो यहाँ कम से कम हो गया अगर 2 बरिस। 2 साल हो गया? अच्छा, ऊपर है, 2 साल से ऊपर है। अच्छा, तो यहाँ पे लोग आते हैं पूजा के लिए सामान वामान खरीदते हैं? हाँ साहब, यहाँ नरियर चुनरी प्रसाद माला फूल सब बिकता है यहाँ पर है। तो बिक्री उक्री हो जाता है आराम से काम? वो तो कभी कभी 150, कभी 500, 200, 400 बिक्री कर रहती है। हाँ, आप देख रहे हैं इस वक्त हम लोग इस छोटे से और बेहद खूबसूरत मार्केट में हैं और यहाँ पे ये इस्तेमाल करती हैं लड़कियां अक्सर, वो सारी चीज़ें भी है, स्कार्फ वगैरह भी है और ये हाथों में बांधने वाली चीज़ें हैं, छोटे छोटे बच्चों को पहनाने वाले ये कंगन वगैरह हैं और बिंदी बुंदी सारी चीज़ें मिलती हैं। इस छोटे से मार्केट है यहाँ पे और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से सुसज्जित यहाँ की दुकानें हैं और यहाँ पे सारी चीज़ महिलाओं से संबंधित यहाँ पे मौजूद है और एक तरफ धर्म कर्म वाला सामान है, दूसरी तरफ स्त्रियों की ख़रीदारी करने वाला सामान है, बच्चों के लिए खिलौने भी हैं। तो यानी कि इस मार्केट में अगर आप आएंगे, पालमेश्वरी धाम की इस मार्केट में आएंगे जो जस्ट मंदिर के गेट के सामने है, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दुकानदार हैं, बात करते हैं उनसे। तो यहाँ पे बिक्री उक्री होता है? खाली दुकान उकान सजा के बैठे हैं? होता है बिक्री, होता है जी। नाम क्या है आपका? हमारा नाम व्यास जी पड़ेगा। कितने साल से यहाँ पे हैं आप? 25 साल हो गया। 25 साल हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे जो ये मेला वाला लगता है, लोग दर्शन करने आते हैं, तो जो मान्यता है कि सारी मुरादें पूरी होती हैं, मन्नतें पूरी होती है, वो सही है? बिल्कुल सत्य है। सत्य है? हाँ। अच्छा, तो प्रजापति दक्ष जी जो थे एक बार यज्ञ करा रहे थे। नहीं, वो हम सब जानते हैं, वो सारी कहानी जानते हैं बिल्कुल। तो ये मतलब मैं ये पूछ रहा था, लोग आते हैं कहाँ कहाँ से? लोग आते हैं यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जगह का नाम बताइए कुछ याद हो। आपके गाजीपुर साइड से आते हैं, आजमगढ़ से आते हैं, बनारस साइड से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर से भी आते हैं। हाँ, कुछ लोग कहीं जो बाहर रहते हैं कभी कभी को आते हैं बाहर, लोग दूर दराज से भी आते हैं ये बता रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं खूबसूरत छोटी सी मार्केट है, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे सब सामान आपको मिल जाएंगे, बच्चों के खेलने कूदने से ले करके सारी चीज़ें। नीरज इस वक्त अपने कैमरे में वो सारी चीज़ें कैद कर रहे हैं। पालमेश्वरी धाम के गेट के सामने ही प्यारी सी छोटी सी मार्केट है जहाँ पे हर एक सामान पूजा की सामग्री से लेकर बच्चों के खेलने के खिलौने भी मिल रहे हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध है। और अब हम सीधे चलेंगे उस ऐतिहासिक पोखरे की तरफ जो इतिहास से जुड़ा हुआ है, पालमेश्वरी धाम से जुड़ा हुआ है। तो मैंने बताया था यहाँ पे एक ऐतिहासिक पोखरा है, इसका भी अपना एक इतिहास है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, नीरज अगर आप दिखा पाएँ, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, लोहे का एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है मेन नेटवर्क और डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल सर्किट स्वदेश दर्शन और यहाँ पे क्लाइंट्स लिखा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एग्जीक्यूटिंग एजेंसी TCIL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस, कॉन्ट्रैक्टर हैं इसके MSMKC, कार्यस्थल पालमेश्वरी धाम। मुझे ये बताया गया है कि इस पूरे क्षेत्र को, पालमेश्वरी धाम के पूरे क्षेत्र को भारत सरकार ने पर्यटन स्थल के तौर पे ले लिया है और इसे अब डेवलप करने की कवायद चल रही है। इसके विषय शुरू हो गई है, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय? ऐसा है कि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा नज़रिया है कि इतने बड़े मंदिर की तरफ और इतने मतलब रूरल एरिया में उन्होंने ध्यान दिया, इसके लिए पहले हम सरकार को इसके लिए धन्यवाद देते हैं और ये जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, आगे भी हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर नज़र रखेगी और काम और अच्छा होगा। आपको क्या लगता है जब इसको पूरी तरह से विकसित कर लिया जाएगा तो फिर यहाँ पे जो पर्यटक आएंगे या जो दर्शनार्थी आएंगे उनकी तादाद बढ़ेगी? हाँ, बहुत बढ़ेगी और आज भी लोगों को भी फायदा होगा जी, क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा, यहाँ के दुकानदारों को फायदा होगा। हाँ, और यहाँ के जितने भी अगल बगल के अधिकारी हैं या यहाँ से जो मतलब शादियाँ होती हैं, लड़कियाँ जाती हैं, किसी बड़े अधिकारी के यहाँ भी शादी हो जाती है तो भी यहाँ मुंडन करने के लिए ही आते हैं, इसलिए अधिकारी भी बहुत आते हैं यहाँ और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जी। यहाँ पे बाबा जी एक ऐतिहासिक पोखरा है, इस पोखरे की क्या कहानी है हमें बताएं? इस पोखरे की कहानी लोग बताते हैं कि यहाँ इसकी जब खुदाई हुई थी इसमें कुछ हड्डियाँ मिली थी। अच्छा,
उस हड्डी कंकाल मिले थे जिसके विषय में कोई वो संग्रहालय नहीं था उस समय जो कि रखा जाए। इस बहुत दिनों के बाद तो या फिर इसकी खुदाई फिर हुई है जिसका निर्माण का जैसा बाबू साहब भी बताए हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो इसका जो है वह सुंदरीकरण किया जा रहा है और यह धाम को सरकार ने अपने अंडर लिया है पर्यटन स्थल के रूप में, तो इसका काम जो आगे बढ़ता जा रहा है। मछलियाँ वगैरह भी पालन होता है? हाँ, मछलियाँ भी इसमें निकाली जाती हैं? नहीं, निकाली नहीं जाती, निकाली नहीं जाती। कोई मछली नहीं निकाली। गहराई क्या, काफी गहरा होगा? हाँ, काफी गहरा है, करीब 30 फुट गहरा है पोखरा। कितने साल पुराना होगा, क्या इतिहास है इस पोखरे के विषय में? कोई इसका बताया ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी नहीं बता पाया कि ये पोखरा और ये माँ का स्थान कब से है। पहले जंगल था, जब यहाँ जंगल था तो यहाँ कोई आता नहीं था। एक लोहार इस रास्ते से आया जो देखा कि जो है माँ झूल रही है, एक कन्या झूल रही है झालू पर, झलुआ के रूप में झूल रही थी। वह घर गया तो उसको माँ ने स्वप्न दिया कि मैं, मेरा पलथी का भाग यहीं गिरा हुआ है और इस क्षेत्र के लोगों को बताओ जो मेरा यहाँ मेरे लिए कुछ उपाय करें। तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों को, जो संभ्रांत व्यक्ति थे, लोगों से वह कहा, लोगों ने यहाँ पहले मिट्टी का मकान बनवाया, बहुत ऊंचा टीला था और लोग धीरे धीरे लोग आने लगे, पूजा पाठ करने लगे। आज इतना बड़ा ये जो प्रारूप बना है ये सब माँ की कृपा से ही बना है। यहाँ कोई अगर रोता आता तो हंसता जाता है, ऐसी महान कृपा है माँ की। और उनकी जो मूर्तियाँ स्थापित हो अभी मुस्कुरा रही हैं, यानी जो आएगा यहाँ पे मुस्कुराते हुए, हाँ मुस्कुराते हुए जाएगा, रोते आएगा, हंसते जाएगा, ऐसे तमाम प्रमाण है। जैसा बाबू साहब ने बताया, एक दुर्गा प्रसाद सेठ था जो बाबू साहब के साथ रहता था, उसके पास कोई संतान नहीं थी। वह यहाँ दोनों प्राणी आके बहुत रोए और कहे कि माँ अगर मेरे पास संतान होगी तो मैं तुम्हारा मंदिर बनवाऊँगा। भगवान माँ की कृपा से दो संतान हुए जिससे बाबू साहब के सहयोग से मंदिर बना। तो सुना आपने यहाँ के लोगों की बात को सुना, पालमेश्वरी धाम पे हैं, इसको भारत सरकार ने अपने अंडरटेक में ले लिया है, पर्यटन स्थल घोषित हो चुका है, अब इसके बनने की कवायद चालू हो गई है, बन रहा है, विकसित किया जा रहा है और इसका भव्य और दिव्य रूप आप सभी के सामने होगा। AJF की टीम इस वक्त मौजूद है पालमेश्वरी धाम में, हम ऐतिहासिक पोखरे को भी हमने देखा और हर एक चीज़ पर हमने बड़े करीबी तरीके से, बड़े करीब से निगाह बना के रखा। हमने दिखाया कि शादी विवाह भी हो रहा है जो अंदर पंडित जी ने बताया था हमें, और आपने बताया था जिन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था उन्होंने बताया था कि यहाँ पे औसतन 10-15 शादियाँ होती रहती हैं शादी विवाह के सीजन में, उसको भी हमने दिखाया। और एक छोटी सी बेहद खूबसूरत प्यारी सी मार्केट है। आप ऐसे ही बने रहिएगा AJF की टीम के साथ, क्योंकि हमने जो वादा किया है आपसे, आजमगढ़ के एक से एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों के दर्शन कराएंगे और उनकी फोटो भी निकालेंगे, उनकी डिटेलिंग भी करेंगे। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।